हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ फिलहाल, तबीयत ठीक नहीं थी और फीवर था मुझे, तो अभी दवा वगैरह लेके आई तो थोड़ी तबीयत ठीक लगी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धुल लेती हूँ। और आज मशीन नहीं लगाऊंगी, हाथ से ही धुलूंगी, लाइट नहीं है तो। कपड़े बच्चों के बहुत सारे हो गए थे और चादर वगैरह भी थी एक, क्योंकि बच्चों के तो जाड़ों में तो देखा जाए तो बच्चों को कितने कपड़े पहनाए जाते हैं अंदर बाहर सब जगह, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही हूँ एक एक मतलब कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं है, फटाफट मशीन तो नहीं लगा रही हूँ तो हाथ से ही धुल देती हूँ, तो थोड़ी देर सर्फ में भिगो दूँगी पहले कपड़े। और मेरी वॉइस से तो आपको लग ही रहा होगा थोड़ा सा जुकाम है और खांसी भी है मुझे, तो थोड़ी है दिक्कत अभी, क्या करूँ। लेकिन कपड़े तो धुल नहीं है, बाबू के कपड़े हैं और मेरे भी एक जोड़ी हैं, बस मैं सोच रही हूँ फटाफट धुल लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाबू के बहुत कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाबू ना तिल तिल के उसके कपड़े, मुझे जैसे समझ लो एक दिन में 2 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं कभी कभी, तो जब उसके कपड़े भीग जाते हैं सुबह को, तो ये समझ लो उसका डेली का हो गया कि डेली उसके कपड़े भिगो लेता है वो, तो इस वजह से मुझे सुबह को डेली उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो ठंड हो रही है, ठंड में तो काफ़ी बच्चे भिगो लें तो दिक्कत हो जाती है, तो उनको चेंज करना ही पड़ता, नहीं करेंगे तो सर्दी लग जाती है। और बाकी में मेरे बाबू को भी सर्दी लग गई, उसको भी उसकी भी दवाई आ रही है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं कपड़े थोड़े भिगो दिए थे 10-15 मिनट, और उसके बाद मैं अभी धो लेती हूँ। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं मशीन से ही धुलती हूँ कपड़े, बट आज मशीन से नहीं धुल रही हूँ, हाथ से धुल रही हूँ। तो जो कपड़े मतलब ज़्यादा गंदे से होंगे उनमें मैं सर्फ मतलब साबुन लगा के थोड़ा सा घेट लूँगी, और जो ज़्यादा गंदे नहीं होंगे उनको हाथ से मसल लूँगी, क्योंकि सारे कपड़े गंदे नहीं हैं, बस एक आध जो कपड़े हैं वो थोड़े से गंदे हैं, तो उनमें थोड़ा सा साबुन लगा लूँगी और सब में बाकी ऐसे ही हाथ से मसल के डालूँगी। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मैं, मेरा अभी जुकाम बहुत तेज़ हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो कपड़े धुल लेते हैं उसके बाद फलकार लूँगी, अगर लाइट आएगी तो फिर मशीन में सुखा के तो डालूँगी छत पर, नहीं तो फिर ऐसे ही फिर डालना पड़ेगा, ऐसे सूख नहीं पाते हैं कपड़े, इसलिए दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए वैसे ही मशीन में ही धुलती हूँ जाड़ों में तो ज़्यादातर। और गर्मियों में चाहें हाथ से धुल लूँ, लेकिन मशीन में ठंडों में तो मशीन में ही धुलती हूँ। मैं वेट करूँगी, अगर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर मुझे ऐसे ही कपड़े छत पर डालने पड़ेंगे, और वरना मैं मशीन में सुखा के डालूंगी। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, वैसे भी कोई वीडियो नहीं बना पाई, कल भी नहीं अपलोड करी तबीयत के चक्कर में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो धुल रही हूँ कपड़े तो बना लेती हूँ वीडियो और आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए मेरी, और वीडियो को स्किप मत करा करिए, फुल वीडियो देखिए। मैं कोशिश करूँगी कि छोटी वीडियो अपलोड करूँ, तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा काट दिया है बीच में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती तो आप लोग देखते नहीं, स्किप कर देते, इसलिए मैंने वीडियो छोटा ही अपलोड करा है, पूरा फुल नहीं अपलोड करा है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े वगैरह मसल लिए हैं, और उसके बाद मैं इनको सब कपड़े को धुल लूँगी। और मेरा एक पर्स था तो वो भी मैंने सोचा चलो ये भी धुल लेती हूँ, बहुत गंदा हो गया था, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने ना फिनाइल की गोली रख दी थी तो वो पिघल गई थी, सब पानी बन गई थी, तो उसकी वजह से पूरा पर्स बेकार हो गया, तो उसको मैंने सर्फ में भिगो दिया था और उसको फिर मसल के डाल रही हूँ, वो भी धुल जाएगा। और अभी मैं धुल लेती हूँ कपड़े, फलकार लेती हूँ। तो मैंने इसमें अभी आपको एक या दो ही बार फलकारते हुए दिखाया होगा, बट मैंने इसको कपड़ों को कम से कम 4-5 बार फलकारा है, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाती आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए पूरा नहीं दिखाया है। और कपड़े मैंने काफ़ी अच्छे से फलकारे जब तक सर्फ नहीं निकल गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ पसंद ही आएगी आप लोग को, और आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तकली बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को फुल एंजॉय करिए।